भाइयों नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और दोस्तों आज हम आए हैं लैंडफोर्स कंपनी की स्टॉल पे, और जैसे कि हमारे साथ में सर हैं तो आज आपको पूरी जानकारी देंगे इसके बारे में, स्टोरी पर के। तो चलिए मिलते हैं सर से। तो सर नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे तो सर पहले अपना जो थोड़ा सा परिचय दीजिए। मैं ठीक हूँ सर। मेरा नाम विशाल सिरोही है। मैं जी लैंडफोर्स कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। जी जैसा कि आप जानते हैं लैंडफोर्स कंपनी अमरगढ़ पंजाब में स्थित है। जी वो 1965 से हम किसानों की सेवा में है। जी तो सर आप क्या लेकर आए हैं आज किसान भाइयों के लिए? अपना स्टोर रीपर होता है बेसिकली। जी क्या होता है, कंबाइन हार्वेस्टर जब जो काट जाती है गेहूं को, जी, और पीछे रेसिड्यू रह जाता है, जी, उसको उठा के भूसा बनाता है। जी उसको बिल्कुल जमीन से काट के, ये आप देख सकते हो कटर बार लगा हुआ है। जी इसको काट के बिल्कुल जमीन से उठा के और इसको भूसा बना देता है अच्छे से। जी हाँ जी। और क्या और सर जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ आपके स्टोरी पर में पहले के मुकाबले आपने इसमें क्या चेंज किया हुआ है, मतलब क्या बदलाव किया आपने इसमें? सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ इसका थ्रेशिंग धर्म। जी ये क्या 57 इंच का कर दिया हमने। जी काफ़ी बड़ा माना जाता है। जी उसके बाद इसका आप कटर बार देख सकते हैं 7.5 फीट का कर दिया है हमने। जी इसमें क्या है कि अब 35 ब्लेड्स इसमें और 288 ब्लेड अंदर लगे हुए हैं। जी थ्रेशिंग ड्रम में। जी तो आप इसकी यहाँ पे देखेंगे, रील बार को देखेंगे तो फार्म लाइन की लगी हुई है, ब्रांडिंग देख सकते हो अच्छे से। जी बहुत अच्छी उच्च क्वालिटी का हमने फार्मर का ब्लेड लगाया हुआ है। जी आगे और आप थ्रेशिंग ड्रम दिखाओ एक बार। जी सर दिखाइए किसान भाई। ये देखिए दोस्तों बहुत ही शानदार क्वालिटी के साथ में यहाँ पर ये देखिए थ्रेशिंग ब्लेड इसके यहाँ पर ये। और कितनी मिनट में मतलब कि ट्रॉली भर देता है इसका? ट्रॉली भरने का टाइम रहता है अपना 15 से 18 मिनट में। जी ये ट्रॉली को फुल कर देता है। जी जो बहुत ही अच्छा समय माना जाता है। जी आज के टाइम में। जी आप यहाँ पे इसकी बेल्ट वगैरह भी देखेंगे। जी तो लैंडफोर्स की ब्रांडिंग के साथ आ रही है। जी लैंडफोर्स की बेल्ट भी बनाते हैं सर? हाँ नहीं मतलब ब्रांडिंग के साथ आ रही है। जी ब्रांडिंग के साथ। ये टाइम देखोगे आप सब लैंडफोर्स की ब्रांडिंग के साथ है। BKT का टायर दिया हुआ है सर इसमें। जी BKT का गुड्डी वाला टायर दिया हुआ बेसिकली। जी जो बहुत अच्छा टायर TR के बेयरिंग सेंस में। जी बेयरिंग दिखा दीजिए किसान भाइयों को। ये देखिए दोस्तों आप यहाँ बेयरिंग का TR का बेयरिंग बहुत अच्छा माना जाता है। जी TR के बेयरिंग्स दे रखे हैं। जी उच्च क्वालिटी के लोहे से बनी है। जी अच्छे लोहे से बनी है, मतलब ये जंग वगैरह नहीं खाने वाली बिल्कुल भी मशीन। आप इसके पीछे आओगे तो यहाँ पे हमने LED लाइट्स दी हुई, एक मिनट में दिखा देता हूँ आपको। जी LED लाइट्स हैं यहाँ पे दी हुई हैं, आप दिखाइए। यानी कि रात में भी आप काम कर सकते हैं इसमें? रात में काम कर सकते हैं। और जैसे पीछे चल रहा है जी तो उसको दिखाने के लिए दूसरा, फिर इसका ये चीज देखिए आप। जी यहाँ पर ये क्या है सर? पंखे लगे हुए हैं ब्लोअर के। जी हाँ जी ये क्या काम करते हैं? तो ये भूसा बाहर फेंकने का काम करते हैं। जी जो ऊपर से जाता है। जी इसके बाद इसमें ग्रेन टैंक दिया हुआ है जिसको हम यहाँ से नीचे कर सकते हैं। जी यहाँ से इसको निकाल के और ऐसे नीचे कर देंगे तो गिरने वाली है। जी तो इसको यहाँ से ग्रेन टैंक नीचे आ जाता है। जी तो नीचे दिखा दो एक बार। ये देखिए दोस्तों आप यहाँ पर इसमें जो भी थोड़ा गेहूं का दाना जो भी पड़ा होता है खेत में, जी, ये उसको उठा के और इसमें डालता रहता है। जी तो सर जैसे कि इसको किसान भाई खरीदता है तो उसको गारंटी क्या मिलेगी? इसकी एक सीजन की गारंटी रहती है। जी कंपनी की तरफ से वेयर एंड टीयरिंग की। जी और बाकी अपना नज़दीकी डीलर से आप इसको परचेज कर सकते हैं। जी और सर्विस वहाँ से भी आपको प्रोवाइड मिलती है पूरी। जी कंपनी की गाड़ी आती है वैसे तो। जी सीज़न में। जी तो किसान भाई यह है जानकारी आपको कैसे लगी स्ट्रॉबेरी रीपर के बारे में, कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।